जिला मत्स्य विभाग के कार्यालय में सीएम फ्लाइंग व सीआईडी ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और वहां चल रहे काम व दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई फाइलों की जांच भी की और अधिकारियों से पूछताछ भी की। छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग इंचार्ज हितेंद्र कुमार ने बताया कि यहां पर आकर पहले हाजिरी चेक की, एक कर्मचारी पुराना गैर हाजिर पाया गया। इसके अलावा सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उसका रिकॉर्ड एकत्रित किया गया है। रिकॉर्ड की जांच की जा रही है कि किसी तरह की अनियमितताएं न बरती गई हों और रिकॉर्ड की जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा, जिसके बाद सरकार को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। हम जाँच के लिए नहीं मैडम यहाँ पे आए, आज हमारा सरप्राइज विजिट थी यहाँ पे। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जिला फिशरी कार्यालय के, तो पहले हमने अटेंडेंस चेक की है, एक पुराना ही कोई इनके लिए एब्सेंट है, काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, बाकी तकरीबन सारे कर्मचारी जो हैं हाजिर पाए गए हैं। और इसके अतिरिक्त जो सरकार ने योजनाएं एससी के लिए आम लोगों के लिए जो योजनाएं जारी की हुई हैं मत्स्य विभाग से संबंधित, उन योजनाओं से जो बेनिफिशरीज हैं उनके रिकॉर्ड प्राप्त वगैरह कर रहे हैं हम, जिसमें कोई घपला ना हुआ हो, किसी की तरह की कोई अनियमितता ना बरती गई हो विभाग के द्वारा, उस संबंध में जो भी हमें अभी रिकॉर्ड ले रहे हैं हम विभाग से, जैसे भी मिलेगा रिकॉर्ड लेके हम उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अभी तक आया है सर कुछ सामने? नहीं मैडम, अभी रिकॉर्ड ले रहे हैं, उसके बाद ही जाँच करके उसके बाद ही पता चलेगा अभी कुछ अनियमितता इनके द्वारा प्रयोग में लाई गई है कि नहीं लाई गई है। आज सर कोई गैर हाजिर पाया गया है? एक कर्मचारी गैर हाजिर है, वो काफी टाइम से पहले ही चल रहा है गैर हाजिर। ये है रमन बाला है फिशरमैन, ये 18 जून 2024 से ही ऑलरेडी ही गैर हाजिर चल रही है। एक कर्मचारी लेट आया था, वो बाद में आ गया था, 11:30 बजे करीब पहुंचा है जसवंत लाल सेक्शन ऑफिसर जी।